सतसत नमन सतसत नमन। हे युग पुरुष वंदन तुम्हें वंदन तुम्हें। आप सभी लोगों को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आप लोगों को याद होगा पिछले वर्ष हम लोगों ने अपने विद्यालय के प्रांगण में बहुत ही सुंदर आयोजन किया था। गांधी जी की झांकियां, गांधी जी के जीवनी, पुस्तकें, चित्रकला, भजन से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया था। पिछले साल की तरह इस बार भी हम गांधी जयंती के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जज्बा वही है, मकसद सही है, सच का दिया जलाने चले हम। प्यार है, विश्वास भी है, नफरत का साया मिटाने चले हम। क्या हुआ जो घरों में बंद है हम, दिलों में पहचान बनाने चले हैं। इन शब्दों के साथ ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। As we know, today, that is 2nd October, is celebrated as International Day of Non-Violence. And it has become more relevant in today's world, where the need for peace, harmony, compassion, serenity is felt more. So, let us join our hands to take our country to the newer heights by walking on the path shown by Mahatma Gandhi, father of the nation. Today is birth anniversary of our second Prime Minister late Shri Lal Bahadur Shastri also. Gandhiji, a picture of truth and nobility you are, a name elevated near and far. All your life you gave and cared, a life you easily won and dared. Your life so precious to us it was, only a bullet it took to pass. A jewel in an ocean so gracious was his spread on this land so cautious. Bapuji, you was to one and all. Selflessly, you left us at mother's call. The sadness in our heart so deep. A saint who brought sunshine to the poor and weak. Thank you. वह तूफान था, वह आंधी था, वह सत्य अहिंसावादी था, वह सत्य का ही आदि था, अहिंसा ही उसका नारा था, ना सूट ना पैंट कोट, तन पर उसकी एक लंगोट थी, वह सिल्क रेशमी क्या जाने, सबसे प्यारा वस्त्र उसका खादी था, वह था तो देश में रौनक थी, क्यों अंत नहीं, वह अनादि था, वह क्रांति का एक आंधी था, स्वतंत्रता ही उसका सपना था, मकसद उसका भारत की आजादी था, खुशियों का एक वादी था, सब कहते हैं बापू उसको, नाम उसका महात्मा गांधी था। सुप्रभात बच्चों, आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का मेरी समझ से यही तरीका बेहतर है कि हम अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने अंदर के डर और अविश्वास को खत्म करें, अपनी तुलना किसी से न करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अद्भुत है। नकारात्मक विचारों को छोड़ते हुए दूसरों को क्षमा करने की आदत बनाएं, दिखावे की दुनिया से दूर रहें, सादा जीवन जिएं और अपनी थाली में उतना ही भोजन लें जितना हम खा सकें। शायद यही
गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। धन्यवाद। मैं गांधी हूं, लेकिन सत्ता का भूखा नहीं, देश का वफादार हूं, पर तंत्रता मुझे मंजूर नहीं। चाहूं जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखलाया है। आज जो स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें, कईयों ने इसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना, तकलीफों के लिए दोष दे जाना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखलाओ। हमने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो दे जाओ। भले मत कहो इसे गांधी जयंती, इसे स्वच्छ भारत का आवरण तो चढ़ाओ। गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामना। बिना खटक बिना ढाल के आजादी दिलाई थी शान से, आज फिर से भारत कहता है तुम लौट आओ बापू। जाने कितनी हत्या एक दिन में हो जाती हैं, जाने कितनी बेटियां बेइंसाफ ही जल जाती हैं। हर एक को इंसाफ दिलाने तुम लौट आओ बापू। बहुत जलाई मोमबत्तियां, अब मशाल को जलाने तुम लौट आओ बापू। छल कपट हर ओर है, भ्रष्ट आचरण का ही तो जोर है। सत्य सरलता का पाठ पढ़ाने तुम लौट आओ बापू। देश से नफरतें मिटाने तुम लौट आओ बापू। बढ़ती सरहदें हटाने तुम लौट आओ बापू। बापू तुम लौट भी आओ, इस संदेश के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।